अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू फस्कर। मैं हूं अली सलमान और आज यहां पर सब ठंड है, जिसका मतलब ये नहीं कि हम ठंडे मजाक करेंगे, वो तो खैर अब आदत ही है मुझको ऐसे जीने में। मगर डॉक्टर साहब ने हमें, डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब ने हमें कहा है कि वी नीड टू लिव फॉर अ कॉज। कॉज फॉर टुनाइट द सब्जेक्ट इज ड्रग अब्यूज और खवातीन हज़रात पाकिस्तान में इन जनरल और कराची में इन पर्टिकुलर, क्योंकि हम उसको बड़ा सीरियसली फॉलो कर रहे हैं स्कूल कॉलेजेस में, बच्चों में, और यू नो व्हाट्स रियली अलार्मिंग, बच्चियों में ड्रग की जो इस्तेमाल है वो सब्सटेंशियली बढ़ता चला जा रहा है। चल के हम ज़ारा से, और आज इसका नाम हमने पता नहीं क्या रखा हुआ है, ज़ारा से और मुस्तफ़ा से। शहजाद सलाम। वालेकुम सलाम। मैंने तो बहुत बच्चों को मना किया है कि छोड़ दो। बच्चे खुचों की बात नहीं है, बच्चों की बात हो रही है, साथ छोड़ती नहीं है। नहीं, बट दिस इज सीरियस। ज़ारा, आप स्कूल कॉलेजेस में जब थे, बिकॉज माई डॉटर टोल्ड मी, वो यहाँ पे स्कूल में पढ़ती थी, उसने एक दिन आके बाकायदा रोते हुए बोला अपनी माँ को कि स्कूल में आज बाथरूम में बच्चियाँ जो हैं दे वर एक्चुअली डूइंग समथिंग व्हिच वाज ड्रग्स एंड आल्सो। आई वेंट बैक एंड टोल्ड द कॉलेज और बाकायदा वहाँ पे उसके अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक्शन नहीं हुआ, बल्कि जो बच्चे इन्वॉल्व थे उनके पेरेंट्स को जब बुलाया गया तो उन्होंने उल्टा स्कूल को थ्रेट करना शुरू कर दिया। प्रॉब्लम के एक्सेस, अगर आप अवेलेबिलिटी की बात करें तो इट्स वेरी इजी, पहले इतनी नहीं थी। आजकल यू नो यंगस्टर और खास तौर पे स्कूल गोइंग बच्चे बहुत आसानी से उनको एक्सेस मिल जाता है। मतलब एक ये तो इलीगल है ना, आप ड्रग्स कैसे लोग जो है वो इतनी आसानी से मिल रही है, तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है कि अवेलेबिलिटी बहुत आसान है। मैंने ये भी सुना ऑनलाइन अवेलेबल है, बच्चा गो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, आके वो किसी ना किसी थैली में पकड़ा के चले जाते हैं। नहीं, बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी बढ़ गई है जिसकी वजह से ड्रग यूज बढ़ गया है। हमारे बचपन में मुझे याद है 3-4 दुकानों में जाओ उसके बाद समझ बॉन्ड मिलती है। हमेशा गरीबी रहना और समझ बॉन्ड के नशे की बात भी कर रहे हैं। खाने के लिए चाहिए होता था ना सुबह स्कूल के। तुझे वो पुल याद है जिसके नीचे पहली दफा तू बैठ के पुल दो पुल का शायर हुआ तुमने गाया था? आप से बल्कि पहली मुलाकात ही वहां हुई थी हमारी। मेरे से आज आप लग रहे हैं आप बर्तानिया का चाय वाला। ये टोन कहाँ से आई है? बहुत गला खराब है। अच्छा, गला आपका टेक क्या, कभी ड्रग्स आपने देखा किसी को यूज करते हुए? और नहीं, मेरा भी मेरे सराउंडिंग में तो कोई भी ऐसा नहीं जिसने मेरे सामने कभी ड्रग्स ली हो या कुछ। में कोई ड्रग, अल्लाह का बहुत शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी सराउंडिंग में कौन था जहाँ से आपको इतना पता है? मैंने बहुत कम उम्र के बच्चे, आप कह सकते हैं 16-17 ईयर्स, मैंने उनको देखा है करते हुए। और एक बर्थडे पार्टी में शेयर करूंगी, उसमें मैं गई थी और वो वहाँ पर ऐसा, अगर आप एलीट कल्चर देखें तो यहाँ फैशन बन गया है, तो जिसको हम पीयर प्रेशर कहते हैं ना, कि आप कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम फैशन के लिए यू नो उसको बहुत कूल समझते हैं, तो यहाँ पर पेरेंट्स का एक लैकिंग है या पेरेंटिंग बोलते हैं ना बहुत ईजी नहीं है, तो जब बच्चे माँ बाप से दूर होते हैं तो ही वो इन चीजों में। और आई थिंक माँ बाप आजकल जो बच्चों को मोबाइल फोन देके और गैजेट्स देके समझते हैं कि उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई विदाउट रियलाइजिंग कि उसका यूजर अब्यूजर। मैं इसमें एक और भी चीज शेयर करता हूँ, आपने बर्थडे की बात की, लाहौर में मैं नाम लेके बता रहा हूँ, भेदिया रोड एक जगह है, वहाँ पे फार्म हाउस बने हुए हैं, वहाँ पे एक्चुअली लोग क्या करते हैं कि वो टीनेजर्स को, बच्चों को इन्वाइट करते हैं और वहाँ पे पार्टीज होती है। ये तो तस्वीरें हैं, ये बाकायदा रेड्स हुई हैं। सेकेंडली ऑन टॉप ऑफ दिस, कराची में एंटी नारकोटिक्स एक डिपार्टमेंट है और उसको एक साहब हेड कर रहे थे और मैं हमेशा उनसे जिद और लड़ता एक बात पे था, आप हमेशा डीलर को पकड़ते हैं, सप्लाई सोर्स पे नहीं जाते। इस पर भी बात करते हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब को तशरीफ देते हैं। साइकोलॉजिकल डॉक्टर साहब, क्या हाल है डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब आपने जो हमें सब्जेक्ट एज अ फूड फॉर थॉट दिया है, मैं जनरली पहले तो बताएं डॉक्टर साहब, ड्रग अब्यूज ये जो इंस्टिंक्ट है ये इनबिल्ट होती है या पीयर प्रेशर से डेवलप होती है? जो है ड्रग अब्यूज जो है दो टाइप की ड्रग्स होती हैं, एक तो वो इलीगल ड्रग्स होती हैं जिनको आप जो है यूज करते हैं, दूसरा वो होता है जो लीगल होती हैं और कुछ टाइम के लिए आपको दी जानी चाहिए प्रिस्क्रिप्शन। हाँ, प्रिस्क्रिप्शन okay. लेकिन आप फिर उसके आदी हो जाते हैं, स्लीपिंग पिल्स हो गई, डिफरेंट, ये सारे ही ड्रग अब्यूज में आ जाता है। राइट और इसमें होता है कि ये ज्यादातर जो होता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स और आपका माहौल जो होता है वो आपको उसकी तरफ लेके जाता है। आज खाके में क्या है? आज खाके में है अताउल्लाह ईसा खेल। अरे वाह वाह वाह, सूट मेरा काला। आज खाके में क्या बनाया डॉक्टर साहब? आई सर हो जाए सर। पढ़ा था मर्द को दर्द नहीं होता, पहली बार अताउल्लाह ईसा खेलवी को सुना तो लगा होता है और जोर से होता है। उनके गले में इतना दर्द है कि एक बार मेडिकल कॉलेज गाने गए तो डॉक्टर्स ने जबरदस्ती गले के टॉन्सिल्स का ऑपरेशन करने की कोशिश की। इस दर्द के साथ जब वो किसी लव मैरिज वाले की शादी पर गाते हैं
तो लव मैरिज वाले को लगने लगता है उसकी अरेंज मैरिज है। अताउल्लाह ईसा खेलवी ने वो काम किया जो आज तक दुनिया का कोई गुलूकार ना कर सका, वो था उस घराने में पैदा होना। अंदाजा करें, जो घर में गुलूकार को घुसने नहीं देते थे उनके यहाँ गुलूकार पैदा हो गया। अताउल्लाह ईसा खेलवी शुरू में खामोशी से गाता, आवाज से गाने के लिए उसे घर से भागना पड़ा। जिस उम्र में लड़के किसी लड़की के साथ घर से भागते हैं, अताउल्लाह ईसा खेलवी उस उम्र में अपने हारमोनियम के साथ घर से भागा। अताउल्लाह ईसा खेलवी ने इश्क की नाकामियों पर हिट गाने गाए, उनके दुखी गानों से लगता है बड़ी मेहनत से वो इश्क नाकाम करते थे ताकि गाना कामयाब हो। कुछ इश्कों की नाकामी की वजह ये थी कि जिनसे इश्क किए फिर उनसे शादी कर ली। कहते हैं उनका गीत इश्क में तुम्हें क्या बताएं किस कदर चोट खाए हुए हैं, उन्होंने उस वक्त गाया जब वो इत्तफाकन अपनी दो बीवियों के झगड़े के दरमियान आ गए। वो इंटरनेशनल सिंगर हैं, आवाज में ऐसा दुख कि फानर को गाना समझ आए ना आए ये समझ आ जाती है कि कैंडोलेंस करनी है। उनकी लाइफ पर जो किताब लिखी गई उसका नाम है दर्द का सफीर। हारमोनियम इस सफीर का वो सफारत खाना है जहाँ रख दिया वहाँ सफारतकारी शुरू। कहते हैं गाते हुए अताउल्लाह हारमोनियम इसलिए पीछे रखता है कि गाना उसका अपना होता है, हारमोनियम नहीं। एक जमाना था ट्रक 3 टैंकी डीजल और 4 केसट अताउल्लाह ईसा खेलवी के साथ मियांवाली से लंडी कोतल पहुंच जाता। वाह वाह वाह। कहते हैं जिस ट्रक में अताउल्लाह के गाने लगे हों उस ट्रक की फ्यूल कंजप्शन बेहतर होती है। इसका तो पता नहीं, ये पता है कि आज भी ट्रक डीजल पर और ट्रक ड्राइवर अताउल्लाह के गानों पर चलता है। अताउल्लाह का दिल इतना बड़ा है कि बैक वक्त कई हसीनाएं उसमें रहती हैं ये जाने बगैर कि साथ वाले वेंट्रिकल में कौन है। उन जैसे एक सिंगर को 2 लड़कियों से मोहब्बत थी, फैसला नहीं हो रहा था किससे शादी करे। एक मैरिज काउंसलर साहिबा से मशवरा लेने गए और 3ों से शादी करके लौटे। अताउल्लाह ईसा खेलवी ने 50,000 गाने गाए, इस हिसाब से अताउल्लाह ईसा खेलवी 2-4 गाने तो रोज सोते में भी गा लेता है। पाकिस्तान के लोग अताउल्लाह से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, जिनसे पनाह लेने के लिए वो अक्सर बाहर ही रहता है। वेल मछली वाहिद सिंगर है जिसका गाना 1,000 किलोमीटर दूर तक सुना जाता है। अगर अताउल्लाह ईसा खेलवी पानी में मुंह डालकर गाते तो एल मछली वाहिद सिंगर ना होते। इतना दर्द आता किधर से था? वो इश्क में वाकई वो टूटे फूटे हुए बहुत बहुत ज्यादा। इश्क हकीकी या इश्क मजाजी? नहीं नहीं, इश्क हकीकी जो होता है वो तो कुछ बड़े लोगों को ही होता है, हमारे यहाँ इश्क से मराद जो होता है इश्क मजाजी होता है। सर आपका दिल तो नहीं टूटा सलमान भाई कभी? मेरा दिल टूटा, मैं बड़ा हूँ अताउल्लाह के गाने सुन सुन के। अब मैं घर जाके सवाल करूंगा कि अम्मी सारा वक्त अताउल्लाह के गाने सुनती थी जब अब्बू ऑफिस हुआ। मुस्तफा तुम्हें पता है हमारी गेस्ट कौन है? सर क्या उनका ताल्लुक पॉलिटिक्स से? नहीं। मॉडल या एक्ट्रेस है? आप नजदीक है। हाँ। या दोनों है? तीनों है, जैसे वो बता रहे थे ना कि मैरिज काउंसलर के पास के तीनों से शादी की। फीमेल है या लड़की है? लड़की है। फर्क भी समझते हो? फर्क भी फीमेल जो होती है वो किसी भी उम्र की होती है। हाँ, वाह, लड़की सिर्फ जो होता है कम उम्र की होती है। ये दोनों ने जुतियां लाके ना मेरे से सवार हो जाना है कि डॉक्टर साहब ने हमें फीमेल क्यों समझा। इनको मैं लड़कियां समझता हूँ। माशाल्लाह, ये चले एक दफा जरा देख के कह दे। इस बात पे मुझे खुश होना चाहिए, वो तो है लड़की। हालांकि उससे ज्यादा खुश क्यों नजर आती है? माशाल्लाह नजरे चश्मे दूर बचा। मैं वही तो कह रही हूँ, मुझे खुश होना चाहिए ज्यादा इस बात पे, मुझे लड़की बोला उन्होंने, हालांकि वो लड़की है। अगर मुस्तफा बाल खोल के बैठे और बाल उन्होंने डाई किए तो माशाल्लाह वो भी 2 की नहीं 1 के तो लगे। मैंने लड़की नहीं बोला, शायद मैंने लड़कियां बोले। उस तरह की माँ अपने बच्चों को बोलती है बाजी बोलो बाजी। यार ये आज से उसका नाम है शहजाद लाला। शहजाद लाला बखैर दे, सही हाल दे, जोड़ तकड़ा दे। आपको पता है कि पाकिस्तान की एक एक्टर जो है, आपको हिंदुस्तान का नाम लेते, आपके हिंदुस्तान में फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी है? दीपिका पादुकोण। टाइम नहीं लिया मैंने, फिर मैं ना ही समझू। टाइम नहीं लिया। एनीवे सो लेट्स कॉल अपॉन, हम अपने मेहमान को दावत देते हैं बुलाने से पहले। खवातीनो हज़रात,
इनकी जर्नी बड़ी मजेदार है। पाकिस्तान में वैसे हर खातून जो हैं उनको मौका मिलता है लेकिन वो सक्सेस नहीं मिलती है। सो शी इज बीन, शी स्टार्टेड हर कैरियर एज अ मॉडल रैम्प, उसके बाद इन्होंने एक्टिंग की, उसके बाद इन्होंने कितने ब्रांड्स को रिप्रेजेंट किया है टेलीविजन पे, बेशुमार सक्सेसफुल प्लेस पे इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। उस जर्नी के दौरान बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स और माइलस्टोन्स ऐसे हैं जिस पर आज हम इनसे बात करेंगे। आप सब की तालियों में तशरीफ लाती हैं सुनीता माशाल्लाह, नहीं नहीं सॉरी डर लगता है तो मुंह से स्लिप हो जाता है, सुनीता मार्शल। हम तो यौम सियाह पर कॉज मना रहे थे आपके साथ। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम सुनीता, सो गुड टू हैव यू ऑन द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। हम तो यौम सियाह मना रहे हैं फॉर अ कॉज, आप क्यों यौम सियाह? मेरा भी वही कॉज है। हम तो डॉक्टर साहब के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, हम इनको बुला लेते हैं, वापसी के टिकट के पैसे नहीं होते, समझे? मैं भी उसी में शामिल हूं। डॉक्टर साहब चलें, इस दफा शायद हो जाए आपको ट्रेन में बजाय। पहली दफा देखा है कि पूरे जो है ब्रांडेड ब्लैक सूट पहन के मांगा जा रहा है। अच्छा, मैं अपने अजीम प्राइम मिनिस्टर से पूरी तरह इंस्पायर्ड हूँ। उन्होंने मांगने के लिए अलग सूट रखा हुआ है, ब्लू कलर का है वो, और व्हाइट शर्ट के साथ हैट पहन के जाते हैं, और फिर और साथ ही कहते हैं मैं यहाँ मांगने नहीं आया, लेकिन फिर भी उनको देख के दिल करता है कुछ ना कुछ बात। अच्छा सुनीता, एक मैं बड़ी रास का सवाल पूछ रहा हूँ, फिर वील ऑल गेस। अभी भी ऐसा होता है आप जहाज पे सफर करती हैं और कोई आपको अगले दिन फोन करके बोर्डिंग कार्ड के बारे में पूछता है? नहीं, उसके बाद नहीं हुआ। There's a story for this. I want her to tell us what happened. Well, I was traveling to Lahore और उस वक्त हसन जो है उनकी एजेंसी एक फैशन शो करवा रही थी लाहौर में, एंड आई वॉज अ मॉडल। और उसके बाद जब शो वो करके हम वापस आ गए तो मुझे फ़ोन आया उनकी एजेंसी से कि आपका बोर्डिंग पास चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि भाई कोई इंटरनेशनल बोर्डिंग पास नहीं संभाल के रखता तो डोमेस्टिक तो क्यों रखेगा। अच्छा खैर, उन्होंने दो तीन दिन तक मुझे कॉल्स की इसी बारे में। हसन ने की या उनके ऑफिस से कोई कॉल? नहीं नहीं, हसन ने की। नाइस। और फिर मैंने एक दिन उनको डांट के और फोन बंद कर दिया, मैंने कहा ये मुझे कोई तंग कर रहा है। अच्छा, बाद में हसन कहता है कि नहीं नहीं, मुझे वाकई ही ऑफिस से कहा गया था। क्यों कहा गया था अब ये मुझे नहीं पता, लेकिन उसी के कुछ दिनों के बाद मैं अपनी दूसरी मॉडल्स फ्रेंड से, कॉलीग से मिली जब दूसरे शो पे, तो मैंने उनसे पूछा भाई तुम लोगों को ऐसी कोई कॉल आई है? तो उन्होंने कहा नहीं, तो किसी और से करवाई है, फिर उनके लिए कोई और होगा, उनका हसन कोई और होगा। हाँ शायद। अच्छा, तो ये दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। तो तुम अब ये याद रखना, अगली बार तुम जब ट्राई करो, अच्छी नई टेक्निक अच्छी है, बोर्डिंग पास वापस करना है घर का एड्रेस बता देंगी। नहीं, बस आपने पूछा नहीं कभी कि क्यों मांग रहे थे? बस वो कह रहे थे कि ऑफिस वालों ने मांगा है, हमें प्रूफ चाहिए कि भाई इन लोगों ने ट्रैवल किया है। डॉक्टर साहब इसका साइकोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे और बताएंगे, जब एक मर्द एक खातून को फोन करके कहे मैंने बोर्डिंग कार्ड दे दियो, वो क्यों मांग रहा होता है? वो बोर्डिंग चाह रहा होता है। बोर्डिंग कामयाब हो गए, वो बोर्डिंग एंड लॉजिंग दोनों में कामयाब हो गए, फॉर्मूला बड़ा अच्छा है। Don't try it at home. खासतौर पे you bachelor boys remember this. अच्छा फिर आपको, you wanted to become an air hostess also. बड़ी छोटी जर्नी थी, उसका क्या हुआ? मेरा हो गया था और मैंने क्लासेस स्टार्ट की, तो मेरी जब फर्स्ट क्लास थी तो उसमें जो इंस्ट्रक्टर थे हमारे, उन्होंने सबको इतना डांटा, हर बात पे डांटा। क्यों डांटा? कोई भी छोटी बात पे, जैसे मैंने उन्होंने कुछ सवाल पूछा तो मैंने यस के बजाय य कह दिया। या, ओ। या। तो बस उस पे वो डांटने लग गए, which was right in a way because they were trying to teach us, लेकिन वो तरीका मुझे नहीं पसंद आया, तो मैं second day वो पूरा course उनका वापस करके आ गई। डॉक्टर साहब आपकी इजाजत लेते हैं, छोटी सी ब्रेक, कहीं ना जाइएगा, we'll be right back. इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। Welcome back, welcome to Buskar, हमारे साथ हैं सुनीता मार्शल। You were very young जब आपको पहला, आपको आपका वो हमारी common friend है साइमा, साइमा ने आपका photo shoot किया था, शौक कहाँ से आया था आपको? शौक एक्चुअली वो इस तरह हुआ, मैंने तो खैर कभी सोचा ही नहीं था। माय चची एनजी मार्शल, उन्होंने कहा कि अभी तुम अपना ये कॉलेज करो और फिर तुम्हारा मैं ऑडिशन करूंगी, यू नो तुम करो मॉडलिंग करो। आई वाज लाइक ओके, मगर उनसे पहले ही साइमा ने ऑफर किया एक शूट मेरी बहन को, ओके लेकिन वो नहीं जा सकी और उन्होंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं तुम आ जाओ उसकी जगह, तो मैं चली गई और फिर वो बहुत अच्छा शूट आया। अच्छा एक मशवरा देना, उसको मॉडलिंग का शौक है, रैम का, इसको ऑफर्स होती हैं, ये करती नहीं वो करना चाहती, गाइड करें ना कि रैम करने के लिए उसको क्या करना चाहिए। पहले तो तुम्हें क्रैम पढ़ने चाहिए थोड़ा, तुम जो है ना क्या करना चाहिए बताएं जी, क्या करना चाहिए उसे?
नहीं तो आपको वाकई शौक है? बहुत शौक है उन दोनों से। मैं कह रही है नहीं, मैं एक्ट्रेस बहुत अच्छी, मुझे रैम करने का कोई शौक ये नहीं। तो आपको खुशफहमी है ना, हम मैंने काम किया, शी इज अ वेरी गुड एक्टर। हम शो का शुरू में ना हमने आगाज किया था कि ड्रग अब्यूज स्पेशली विद गर्ल्स, तो ये मुझे इसको मैं बता रहा था कि कहती है मेरी हाइट छोटी है तो आपको जो हाई होना वो ये इसलिए नहीं है कि कद लंबा होगा तो तुम वो करोगी, हम दूसरे हाई होने की बात जी जी बिल्कुल। अरे भाई आपने क्यों नहीं की मॉडलिंग, आपकी तो इतनी लंबी हाइट है। मुझे बचपन से सारे कहते थे कि तू मॉडल लगता है, लेकिन उर्दू में कहते थे। मैं वैसे ही खुश था, राजी था, पाकिस्तान में एक मैं हूँ एक बरकत है, हम अपने जो है उस पर राजी। टीपू हमारा तीसरा भाई। अच्छा ये तो आपने कभी नहीं की मॉडलिंग? देखिए मैं इजाज़ असलम अदनान सिद्दीकी हमने इकट्ठे शुरू की, लेकिन वो आगे दौड़ के मैं खड़ा देखता रह गया उनको, इसलिए मैंने की बाय द वे। माय फर्स्ट रैंप वाज विद इमरान कुरैशी, माय खुर्शीद भाई ने फोटो शूट किया था, देन आई गॉट इन टू टीजेज एंड रैंगलर एंड ऑल ऑफ दैट। फिर उसके बाद बहुत कुछ किया, अल्लाह का शुक्र है सोशल मीडिया का टाइम नहीं था इसलिए बचत होगी, वरना रैंप पे आपको बहुत मसले मसाइल हुए, ये ड्रेसिंग रूम में जाते थे चेंज करने, इनकी बारी आती थी ये मिलते नहीं थे। कहाँ गायब होते थे आप? सब बता दूं, पक्की दोस्ती कर लूंगा तो ये मरवा देगा। अली भाई आप मोहल्ले में सुने बच्चों को आपने पैसे दिए कि आपको मॉडल कहे सारे? मैंने मेहमान के सामने तुम्हारा कोई बड़ा पुराना मेरा जानने वाला, तुम्हें इजाज असलम ने बताया? नहीं भाई, तो आई शेयर दिस विद यू एंड सुनीता कैन समहाउ इनडायरेक्टली रिलेट टू इट। जब आपके दोस्त होते हैं ना, इजाज असलम ने कशकोल किया, ही बिकेम एन ओवरनाइट फिनोमेना। अदनान सिद्दीकी ने अरूसा किया, ही बिकेम अ सुपरस्टार। हम रैंप पे इकट्ठे थे उन दोनों में शुरू में। अब आप जहाँ जाते हैं, उस मोबाइल तो होता नहीं था जो ऑटोग्राफ, अब वो अदनान भाई तो देते थे इजाज भाई के लिए, अंग्रेजी में मैं लिख के दिया। अदनान सिद्दीकी ओवरनाइट फिनोमेना, इजाज असलम ओवरनाइट फिनोमेना। ओवरनाइट आपके सिर्फ छापे ही आए हैं जिंदगी में, अगले दिन के अखबार में आता था। उन पे फिनोमेना बना था, फिर PhD करवाई गई थी। चुप हो जाओ कम वक्त, मेहमानों के सामने इज्जत रखते ये एक अच्छा मैं पहले बता दें डॉक्टर के हकीमाना सवाल ये जो है एक रैपिड फायर की तरह कुछ क्वेश्चंस हैं। मार्शल प्रूस्ट एक बहुत बड़े नावलिस्ट थे, उन्होंने इंसान को समझने के लिए 34 क्वेश्चंस बनाए थे विद टाइम। जो है मुख्तलिफ दुनिया में जिन लोगों ने इसको यूज़ किया उन्होंने कोई इजाफा किया, किसी ने कमी की, तो हमने जो है वो कुछ इजाफे और कमी के साथ वही सवाल हैं। हर कामयाब मर्द के पीछे दो औरतें होती हैं, आपके पीछे कितने मर्द हैं? नहीं वैसे एक नहीं, भाई, फादर, भाई, बेटा, हस्बैंड, बेटा, हाँ। सारा क्रेडिट आप हसन को नहीं दे सकते? हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं दे रही मैं। हाँ। आप बड़े होके क्या बनना चाहती थी? प्रीतो। नहीं मैं प्रीतो एक्चुअली बिल्कुल नहीं बनना चाहती थी, मेरा बस था कि मैं अपना बिजनेस करूंगी, किस में करूंगी वो अभी तक डिसाइड नहीं किया था, उससे पहले ही मैं इस फील्ड में आ गई। लेकिन आपने बिजनेस शुरू किया, वी टॉक अबाउट दैट। जी डॉक्टर, आपकी कौन सी एक ऐसी चीज है जो आपने रखी हुई है हालांकि फेंक देनी चाहिए? बड़ा खतरनाक सवाल होता है ये। बोर्डिंग पास। हाँ बोर्डिंग। बताया भी नहीं और दिखाया भी नहीं। अच्छा कोई पूछे कैसी लग रही हूँ तो सच बोलती हैं या तारीफ करती हैं? अभी जवाब नहीं देंगी क्योंकि इसने पूछा था 5 मिनट में। यार ये मेरे भी क्यों आया? इन्होंने तारीफ की थी ना तो मैंने कहा क्लियर कर दो ना पहले। नहीं क्या करें, बस मजबूरी है, तारीफ करनी पड़ती है। ये आपके लिए नहीं था, अरे नहीं सवाल था, क्लियर कर दिया उन्होंने। अपनी अपीयरेंस में आपको सबसे ज्यादा नापसंद क्या है? कुछ भी नहीं। मर्दों में क्या खूबी देखती है? जूते। मैंने कहा था आज चश्मे वाले ना पहन कर आए डॉक्टर साहब। सबने एक दूसरे के जूते। डॉक्टर साहब ने स्पेशली शहजाद को क्यों बताया? डॉक्टर नहीं, आज आपको बता दें डॉक्टर साहब ने आज जूते पहने, पैर नंगे बैठे वरना मोजे मोजे। आज पहले दिन हम जूते पहन जूते पहन के बैठे हैं वाकई। कहते हैं मर्द को दर्द नहीं होता, आप इससे एग्री करते हैं? झूठ है ये, झूठ। वाह वेरी गुड। कोई कहानी अगर सुनना चाहे तो पूछ सकते हैं आप ऐसे। हाँ बता सकती हैं आप? नहीं नहीं वो ऑफ कैमरा। वो ऑफ कैमरा। उन्हीं के जूते से उनको ही मारा होगा ना यार? ये देखो हर चीज हमने बतानी नहीं है, कुछ लोगों को ऑडियंस को गेस करने दे। कौन सा लफ्ज या फिक्र है जो आप बार बार इस्तेमाल करती हैं? अरे यार। अरे ये मेरा नेफ्यू भी कहता है अरे यार। आपके बारे में कौन सी फेक न्यूज ऐसी आई जो सुनकर आप हैरान हो गई? वो यूट्यूब पे चलती रहती है ना, वो इतना बड़ा बंगला और वो इतनी बड़ी सी कोई गाड़ी। डॉक्टर वो आपके डॉक्टर साहब तो चलवाते हैं वो बदल वो इन्होंने वो जो डिफेंस में शेख का पैलेस है ना उसके बाहर खड़े हो गए ऊंट पकड़। अच्छा आपको पता है तस्वीरों और वीडियो के लीकेजेस का टाइम है, हमारा भी एक सेगमेंट है तस्वीरें कुछ लीक होती हैं
हम वो तस्वीरें डिस्प्ले करते हैं और फिर मेहमान और हमारे मेहमान उस हमारे जो बैठे वो कैसे हंस रहा है, सुबह मुर्गा उठता है उसने जान नहीं दी उसको, चुप होता है भांग नहीं देता लेकिन हंसता है ऐसे। अभी हम वो तस्वीरें डिस्प्ले करेंगे, वहां से कॉमेंट्स लेंगे, आखिर में आपका कॉमेंट लेके रहे जी। सेगमेंट का नाम है बोलती तस्वीर, पहली तस्वीर लेता है। हाँ जी डब्बू भाई क्या कर, सॉरी ये मेरे ख्याल में जो पुलिस वाले इनको फिटनेस का बता रहे हैं कि आप लोगों को फिट रहना चाहिए ताकि आपकी सांस ना फूले। और अच्छे दौर की बात है, एक बिलावल की फोटो थी जिसमें जबरदस्ती एक आदमी ऐसे जा रहा था, वो पुलिस वाला मुझे ऐसे क्यों लग रहा है। पुलिस वाले बोले क्यों बेटा इस दफा भागोगे नहीं, ऐसे ही हैड अ ग्रेट रन, उसको वो कहते होम रन, होमलेस रन। जैसे ये जो पुलिस वाला है उसके एक्सप्रेशन से लग रहा है कि फवाद साहब का 90 किलो का पांव उसके पांव पे आ गया। अच्छा ये भी लग रहा है कोई पैसे दे रहे हैं पुलिस वाले को, रखो यार घर में। अरे नहीं, ऐसा भी लग रहा है कि फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि आज एक्टिंग सही कर रहा हूं। मेरे ख्याल वो कह रहे हैं कि मेरा बस पेट निकल गया ना तो मैं इनके दरमियान से निकल जाऊंगा। आपके क्या ख्याल है, ये क्या हो रहा है? वैसे तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिशियंस में, बिल्कुल भी नहीं। हर ये कैसे हो सकता है, हर खातून की पसंद एक ही है इस मुल्क में, मियां नवाज शरीफ। आप लोग हंस रहे, कल तो आप नहीं कह रहे। देखो मियां नवाज शरीफ ना सही, मियां तो है ना। नहीं नहीं पॉलिटिक्स से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा ये लेकिन ये बेचारे जो पुलिस वाले इनके एक्सप्रेशन बहुत मजे के, वो कह रहे हैं हाय मेरे पैर पे से तो हट जाओ। वो पीछे वाला जो है ना वो देखे जो दोनों के वो कह रहे मैं भी तस्वीर में आ जाऊँ, वो कह रहे ये हटे तो फिर मैं पैर रखती हूँ। अजीब जाएगा। ओह माय गॉड, नहीं इस पे जो भी इस वक्त टीवी देख रहे हैं ना, जो उसके जहन में आ रहा है वही बात। मुझे लगता है तरबूज तोड़ने का तरीका बता रहे हैं। अच्छा तरीका तो खैर वही बता रहे हैं। सुनीता आप बता दें फिर हम आगे जाते हैं। ये बस सेंसर हो गया, छोड़ दें। हम सारे एक ही पेज पे, पहली दफा ये हुआ है। तो पूछा जेल में आपने टाइम कैसे गुजारा। ना तो तुम रैंप करते हो, ना तो तुम एक्टिंग करते हो, इतनी पतली गर्दन किसने रखी है। मेरा ख्याल वो कह रहे हैं कि धमकी देने से पहले कुछ खा पी भी लिया करें। वैसे अल्लाह का शुक्र है उनका वजीर खाते और हमारा वजीर दाखला एक जमाने में एक ही जैसे। सुनीता आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है वो कह रहे हैं आप पाकिस्तान आए, हम आपकी बहुत अच्छी तरह खातिर तवाजा करेंगे, आपको कुछ मोटा वोटा करके भेजेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, आगे चलो। वो खैर इस धज से कोई मक्तल में गया जी। हाँ शेखाब ये क्या है जी, ससुराल जाना है ते हथकड़ियां ते पहननी पड़ेंगी ना। आप ये सच है जरा आपका क्रश था। आज ये लाल हवेली को ट्रिब्यूट देने के लिए इन्होंने पहना। सही बात है ना, कभी भी नहीं। क्या कर रहे हैं ये कह रहे हैं ये जो देखें जी घड़ी जो मैंने लगाई है ये तोशे खाने की है। इनको लेके कहां जा रहे हो सर, टिकट इनको लेकर आ रहे हैं सर, जा नहीं रहे। शेख साहब कह रहे हैं मैंने तो मजाक किया था, हथकड़ी जो है मर्द का जेवर होता है, आप लोग सीरियस ही हो गए हैं। मेरे ख्याल से ये कह रहे मेरे दोनों हाथ में हथकड़ी है, मैं सिगार कैसे पी। अब पुलिस वाले हथकड़ी लग भी नहीं रही वैसे। सुनीता आप बता दें। I don't know, कह रहे मेरी ट्रेन छूटने वाली है जो कि कभी टाइम पे नहीं आती। ये वजीरे रेलवे रहे थे ना, इन्होंने कहा था मैं बुलेट ट्रेन चलाऊंगा। ऐसे लगता है सलीके से ऊपर से माफी मांग रहे हैं। छोटी सी ब्रेक कहीं ना जाइए का वीडियो। वेलकम बैक, वेलकम टू बस्कर, हमारे साथ है सुनीता मार्शल, डॉक्टर साहब लाना चाह रहे हैं मार्शल। मैंने एक सवाल पूछना था, हमारा एक सवाल होता है कि अपनी पांच बुराइयां बताएं जल्दी जल्दी। नहीं मगर वो तो आपने बतानी है। मैं हमेशा खूबियों पे नजर रखता हूँ, बुराई मैं देखता ही नहीं। वाह वाह वाह, क्योंकि बुराई जो होती है वो चेंज हो सकती है, खूबियां रहती हैं। बुराई है ही नहीं कोई मेरे। अच्छी बात। लड़ाई करती हैं आप घर पे, लड़ाई होती है, बच्चों को डांटती हैं, बच्चों को गलत बात पे समझाते हैं। हम अभी बात कर रहे थे आने से पहले शो की स्टार्टिंग में ड्रग अब्यूज, फिर हम अपने सेगमेंट्स पे जाएंगे। सो वी नीड अ क्विक आंसर फॉर दिस, सुनीता वो ये बच्चों में आजकल के ज़माने में माँ बाप समझते हैं मोबाइल फ़ोन दे दिया, आईपैड दे दिया, कंप्यूटर दे दिया, इंटरनेट एक्सेस दे दी, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। हाउ डू यू नो दैट द बिहेवियर चेंज एक इस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है कि वो किसी ना किसी चीज़ का एडिक्ट होता जा रहा है। इट कुड बी सोशल मीडिया, इट कुड बी इंटरनेट, कार्टून, और उस वक्त इंटरवीन करने का कौन सा टाइम होता है, टेल अस एज़ अ मदर। अच्छा अभी मेरे लिए ये सवाल थोड़ा अर्ली है क्योंकि बच्चे मेरे अभी छोटे हैं। How old are they? My son is 12 and daughter is 10. Exactly, इसका मतलब आपने उनको फोन नहीं दिए हुए।
फोन नहीं दिया अभी ये excellent. हाँ, लेकिन आईपैड वगैरह है हाँ. मगर वो बात ये है कि पेरेंट्स को बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ता बिल्कुल ऐसे ही है. तो अगर आप टाइम नहीं स्पेंड करेंगे तो आपको वैसे ही नहीं पता चलेगा. और वो कहते हैं ना एक नजर रखनी चाहिए, वो आप आते जाते उनके आईपैड पे एक नजर रखें कि हाँ भाई वो क्या देख रहे हैं. लेकिन आप तो वर्किंग पेरेंट्स हैं, आप भी नहीं, मगर हम 24 घंटे नहीं काम कर रहे होते, हमारे पास भी टाइम होता है और हम कोशिश करते हैं कि हम इतना टाइम निकालें कि हम बच्चों को प्रॉपर टाइम दें. Excellent. और हम दोनों चूंकि एक्टर्स हैं तो हम एक दूसरे के हिसाब से मैनेज भी करते हैं डेट्स कि भाई अगर मैं मेरा नॉन स्टॉप इतना काम हो रहा है तो उन दिनों में अगर हसन घर पे या अगर हसन का काम हो रहा है तो उन दिनों में मैं जी बिल्कुल ग्रैंड पेरेंट्स. ये तुम याद रखो कि जब दोनों फोन कर लो पहले हम तो ऐसे ही बैठे हैं फारिग. नहीं मैं वो नहीं, तुम्हारी पिंक बस आ गई, हम देख रहे हैं. ये तो पीपल्स पार्टी ने शुरू करके हमारा काम खराब कर दिया है. पिंक बस मैंने तो नहीं देखी अभी तक. ये तुम्हारे हाथ में क्या है पिंक? जो खातून पिंक बस पे सफर करती है उसको मेमन साहब की तरफ से गिफ्ट दिया जाता है. कौन हसन है जिसको आप मैसेज कर रही है? ये वो हसन नहीं है, इस पे सैमसंग लिखा है, हसन नहीं लिखा है. मोहसिन होगा, मोहसिन. इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि हम दोनों मियां बीवी एक दूसरे के हिसाब से डेट्स मैनेज करते हैं. ये शूट की डेट्स की बात करी है, तुम फौरन अपनी डेट नहीं मैनेज करना शुरू करते तुम्हारा जो अगला शूट आने वाला. नहीं हम दोनों डेट्स मैनेज कर लेते हैं. अब बुराई फिर तुम कहती हो मेरी बुराई है, क्यों कह रहे हो? अच्छा, मेरा साई जो है वो एक फिनोमेना था जी बिल्कुल. वैसे तो नुमान एजाज साहब भी फिनोमेना है. नुमान एजाज साहब जब आपको देखते हैं आंखों में आंखें डाल के तो आपको आधी लाइनें तो वैसे ही भूल जाते हैं. एक्चुअली नुमान सर के साथ मैंने पहले भी काम किया था तो वो एक झिझक जो थी ना वो थोड़ी सी कम हो गई थी. और इधर तो ये हाल था कि उनकी चूंकि बहुत लंबी लंबी लाइंस होती थी तो जब उनके सोलो होते थे तो मैं उनको प्रॉम्प्ट करती थी लाइन, तो वो पीछे पीछे फिर बोलते थे. आपको पता है कि नुमान डॉक्टर साहब बता रहे थे उन्होंने नुमान के साथ एक सीरियल लिखा था, वो जिस वक्त इतनी इंटेंसिटी से देखते थे आई स्पेशलिस्ट बुलाते थे निकालने के लिए, निकली जो जिसको वो देख रहे होते थे वो बेचारा स्पेल बाउंड हो जाता था. मैं खुद इसका क्योंकि विक्टिम हूँ इसको और मारिया वास्ती के ड्रामे में. दे आर इंटेंस एंड व्हेन दे वांट टू टेक यू फॉर अ राइड दे नो एग्जैक्टली हाउ टू डू इट. अच्छा हमारा अगला सेगमेंट है इसका नाम है म्यूजिक म्यूजिक. अगेन वही वाली चीज है, हमें गाना लगाएंगे एक वर्ड म्यूट करेंगे. और चूंकि आपका माशाल्लाह गाने का इतना शौक है अभी हमें पता चला बहुत. ये भी इसके बाद मुस्तफा आपको गा के सुना. हम गाना प्ले करते हैं, वी स्टार्ट विद यू, आपने गेस करना है मिसिंग वर्ड क्या, फिर हम सुनी. ओके जी, कह रहा है अजीब अपनी ये डैश है, समेटो जितना बिखर रही है, हम एक पल भी जी ना पाए, ये लम्हा लम्हा गुजर रही है. ये कौन अजीब अपनी क्या है भाई? शलवार, जो बड़ी वाली शलवार होती है ना जितनी समेटो वो मिलती नहीं भाई. ये बलूचिस्तान में नहीं टूट हो रहा, ये हॉक्स पे है. वही ना पानी में चले गए थे तो शलवार समझी नहीं फिर उसको. नहीं वो फ्लोटर बन गई ना फिर फ्लोटर. हाँ भाई बताए मुझे भाई. अजीब हमारी जेब है, शलवार में जेब भी लगाते हैं. माशाल्लाह आज तो नेशनल प्रोग्राम हो रहा है. यूनिफॉर्म. हाँ जी. अजीब अपनी एक किस्मत है. क्या हुआ आपकी किस्मत? हमने शो पे पर्सनल टुकड़े नहीं डिस्कस करने, हम गाने पे बात कर रहे हैं. अजीब अपनी किस्मत है. किस्मत ये तो उसको कहना चाहिए था. अजीब अपनी मोहब्बत है. हाँ ये करेक्ट है. जब टाइम मिले हो जाती है, जब और होती चली जाए और होती चली जाए. अच्छा ये मैं आपको ये डिस्क्लेमर पहले बता दें, आप क्या कह रहे थे इसके मोबाइल पे क्या नाम लिखा हुआ आ रहा था जिसने फौरन सैमसंग से कवर किया? इसने कहा था हसन. सही कहा था ना भाई, उस दिन ज्वेरी आई हुई थी तो तुमने फौरन साउथ को बताया गया ज्वेरी आई हुई, मैसेज नहीं करना नहीं कॉल कर रहा था. सॉरी डॉक्टर साहब, क्या अजीब अपनी क्या है? वैसे तो जो लुक है ना उससे तो लग रहा है कि ये कहना चाह रही है अजीब अपनी बेवगी है. अजीब अपनी बेटी बेवगी ना, मुश्किल वर्ड बेवगी बेवा. और वैसे जो है जो मुल्की हालात है तो फिर अजीब अपनी हुक्मरानी. 3.5 साल तो खत्म हो गई. और अगर असल पे जाना है तो फिर है कि इधर भी तो पूछे पहले. हाँ. अजीब अपनी डैश है क्या है? नहीं मेरा ख्याल है जिंदगी. जिंदगी है. अजीब अपनी जिंदगी. अजीब अपनी जिंदगी है ये जिंदगी ड्रामा. तुम घर वाली कहानी लेके बैठ गई भाई, वो खाली जगह पुर करवा. नहीं 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 ड्रामे का नाम है ये जिंदगी. अभी तो फिर सही बताया. सही बताया डॉक्टर. हां सही. कोई बहुत पुराना ड्रामा लग रहा है. जवेरिया साउथ का ये ड्रामा. जवेरिया साउथ. जवेरिया का नाम लिया, कोई और होती तो वहां पे भी ऐसे ही होना था. खवातीन हजरात याद रखिए, हर खातून की जिंदगी में एक महमूद कार रिपेयर वाला होता है. छोटी सी ब्रेक. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. वेलकम टू द सेगमेंट मोबाइल कोर्ट. और आज मोबाइल कोर्ट में हमारे साथ मौजूद है मुलजमा जनाब सुनीता मार्शल साहिबा. सुनीता आप हल्फ लीजिए कि आप जो कहेंगी उसमें सच बिल्कुल नहीं होगा
लेकिन अगर आप चाहें तो सच का तड़का लगा सकती हैं। या आपके वकील सफाई सुथराएंगे। सुनीता, आप पर इल्जाम यह है कि पहले आपने एक्टिंग को सीरियसली नहीं लिया, बस एक्टिंग ने आपको सीरियसली ले लिया, लेकिन जब आपने एक्टिंग को सीरियसली लिया तो अब एक्टिंग आपको सीरियसली नहीं ले। आप वकील हैं, आप जवाब नहीं देंगे। इन्होंने किसी चीज को सीरियस नहीं लिया, और तो और इन्होंने हसन को भी सीरियस नहीं लिया। बाहर वेट कर रहा हूँ। और इन्होंने बोला 5 मिनट में आ रही हूँ, 8 घंटे हो गए यहाँ पर शूट। नहीं हुए तो 7:30 है, लेकिन हाँ, लेकिन हसन भाई से पूछे तो 10 घंटे हो गए। घर में एक हीरोइन और एक सपोर्टिंग एक्टर हो तो कौन किसको सपोर्ट करता है? मुझे लगा आप वकील हैं, सारे जवाब आप देंगे। जवाब भी दें। चले इसका जवाब। 100 रुपए में यही होता है एक आदमी। चले 50 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। चले सवाल क्या है? घर में अगर एक हीरोइन हो, एक नालायक वकील सफाई हो और एक सपोर्टिंग एक्टर हो तो कौन किसको सपोर्ट करता है? मेरे ख्याल में दोनों की कोशिश होती है एक दूसरे को सपोर्ट करके। ये और जो सपोर्टिंग एक्टर जिनकी आपने बात की, कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करें, कोशिश करें कि और वकील को लात मार के बाहर निकाल दें। बिल्कुल। और साथ ही साथ ये सपोर्ट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इनको हैदराबाद में भी जाना होता है। तो वहाँ पर भी रैंप होती है, बॉम्बे बेकरी पे रैंप। आप पर इल्जाम है कि आप बहुत खूबसूरत हैं। ये गलत इल्जाम है। गलत इल्जाम है? नहीं गलत है, नहीं ये सही है। ये सही है, ये सही है। पहला जवाब उन्होंने दिया, आपने काट दिया। उन्होंने कहा ये तो ठीक है, आपने कहा गलत इल्जाम है। नहीं, आपने मुझे कहा आपके 50 रुपए कट, वापस 150 रुपए आ गया। आप पर इल्जाम है कि आप मॉडल होते हुए भी एक्सप्रेशन देती हैं। तो अच्छी बात है ना, ये तो इसीलिए मुझे इनसे 50 रुपए ज्यादा मिलते हैं। वरना मॉडल जो है खास फ्रेम के अंदर रहते हुए लड़के लड़के एक ही शक्ल के हैं सारे। सुने आजकल की एक्ट्रेसेस भी ऐसी हैं। आपको एक मजे की बात, गोरे रंग पिंक गाने, शार्प जॉ लाइन के लिए क्या करना चाहिए? गुटखा खाएं आप। कराची शहर में तो शार्प होती है ना उनकी। कराची शहर में 1.5 करोड़ मॉडल मिलेंगे। ये ड्रग अब्यूज में गुटखा भी आता है, ये भी बंद आता है ये। लेकिन मुझे गुटखे ने एक्चुअली स्पॉन्सर भी किया हमें। हमारे जज साहब का गुटखे की एक फैक्ट्री भी है जो पास में, वो छापे में बंद होगी। तुम जो है वकील सफाई को इस इल्जाम में 10 साल की कैदे बा मुशक्कत। थैंक यू सर एडवांस। आप पर इल्जाम है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है मगर आपके घर में मार्शल लॉ है। हाँ जी, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। आप पर इल्जाम है कि आपको गाड़ी चलाना नहीं आती, आप ड्राइवर रखने का सोच रही थी, अच्छा ड्राइवर नहीं मिला, अब आप हसन बेचारे से यही काम। सिर्फ ये काम नहीं करते, वो खाना भी वो बना रहे हैं, चौकीदार भी वो, सफाई भी, सफाई सारे काम वही कर। तुम्हें कैसे पर? मेरे वकील है ना। अच्छा, वकील है। आप पर इल्जाम है कि आप इसलिए बबली लगती हैं कि आपके फादर यानी अंकल की बबल गम की फैक्ट्री थी। तो वैसे उसका नाम था टर्बो बबल गम। क्या नाम था? टर्बो, टर्बो बबल। हाँ, वो एक दफा मैंने गलती से खा ली थी, आज भी कहीं है अंदर ही, फंसी भी है, की भी है कहीं। आप जब पाकिस्तान में पैदा हुई तो 2.5 साल की थी, जबकि 0 साल की आप दुबई में पैदा हुई। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। असल में इन्होंने शादी भी 2 दफा की है, पैदा भी 2 दफा हुई है। शादी एक ही दफा हुई ना। अच्छा, वो तस्वीरें अलग, वो तस्वीरें अलग अलग। आप पर इल्जाम है कि आपने ड्यूटी फ्री में इसलिए काम किया कि वहाँ ड्यूटी से फ्री होंगी, मगर वहाँ ड्यूटी देनी पड़ी तो आपने जॉब छोड़ दी। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही था। सुनीता, आप मियां बीबी मीडिया से हैं, इसलिए लड़ते भी घर पे नहीं बल्कि लड़ते भी सोशल मीडिया पे। ये सरासर इल्जाम है मुझ पर जज साहब। कई दफा तो ड्रामो में लड़ाई हुई है इनकी। नहीं तो उस ड्रामे में ऐसी क्या सीन ये था कि लड़ाई का सीन, इन्होंने बाकी चीजें अपनी कर दी, कैथारसिस भी एक हो गया और लड़ाई भी हो गई, लोगों ने देख भी ली। हाँ, हमारा एक ड्रामा भी शुरू हुआ है ना, उसमें यही हो रहा है बस भाई। उसका नाम है माय रियल स्टोरी। माय लॉर्ड, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, नाउ द केस रेस्ट विद यू फॉर डिसीजन। आज की कार्रवाई से मुझे लगा जी सर कि मुल्जम तो सबसे ज्यादा मासूम है और असल जो क्रिमिनल है वो वकील सफाई और वकील इस्तगासा है। तो इसलिए मेरा ख्याल है इन दोनों को हम रखते हैं और सुनीता मार्शल को बाइज्जत बरी करते हैं। वाह वाह वाह, क्या फैसला देता है जज साहब ने, ऐसे क्रिएटिव हो गए। जज साहब पूरे शो में और ब्रेकों में सुनीता आपसे रिक्वेस्ट करती रही कि कोई एक मेरे में खामी बता दें। ये दुनिया की सबसे अजीम खातून है जो आगे मर्दों से पूछती है कि भाई कोई एक खामी बता दो, आपने नहीं बताई। इतने साल उनको अपनी खामी का खुद पता नहीं चला, मुझे 5 मिनट में क्या पता लग गया। वाह वाह वाह, ये डॉक्टर साहब आपने ना इसके बाद कलम तोड़ दिया।
सुनीता आज हमारा जो शो माइक ड्रॉप कर दिया नहीं इन्होंने तो कई दफा किया पर हम उठा लेते हैं। फॉर ऑल द सक्सेस दैट यू हैव अल्लाह ताला आपको और बहुत कामयाबियां दे। इट्स गोइंग टू बी अनदर लॉन्ग जर्नी माशाल्लाह। यू आर अ ग्रेट मदर, यू हैव अ ग्रेट फैमिली, कीप इट अप लाइक दैट। हमारा आज का जो शो शुरू हुआ था वी डिस्कस्ड अबाउट ड्रग अब्यूज इन चिल्ड्रन और खास तौर पे जो टीनएजर्स हैं। योर थॉट्स ऑन दैट बिफोर वी क्लोज द शो। मेरा ख्याल है पेरेंट्स को तो खैर नज़र रखनी ही चाहिए, लेकिन मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली हमारी यूथ पे दी जाती है। पीपल हु आर वॉचिंग दिस शो एंड लिसनिंग टू अस, आई थिंक इट्स योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ योर ओन हेल्थ। और आई एम श्योर बेवकूफ़ नहीं है आजकल के बच्चे, उनको सबको पता है कि क्या गलत है और क्या सही है। Absolutely. तो बेहतर है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें और साथ साथ अपने पड़ोसियों का भी सेहत का ख्याल रखें, बिकॉज वो भी उससे अफेक्ट होते हैं। थैंक यू वेरी मच सुनीता, थैंक यू गाइज। और खवातीन और हज़रात, जाने से पहले अगर कोई स्कूल टीचर्स या स्कूल प्रिंसिपल या स्कूल ओनर्स हमारा शो देख रहे हो, देयर इज ऑलवेज द प्रोसेस टू स्टार्ट अ रैंडम टेस्ट। आप किसी लेबोरेटरी को साथ लगा लें, आप बच्चों का रैंडम टेस्ट करें, जस्ट टेल देम कि आप उनकी रूटीन हेल्थ ऑब्जर्व करें, एंड देन गॉड फॉरबिड इन 100 और 200 टेस्ट यू विल फिगर आउट कि आपके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में ड्रग अब्यूज तो नहीं हो रही है। इट्स टाइम टू से बस्कर टू पीपल हु आर इग्नोरेंट इन देयर ओन इंस्टीट्यूशंस आल्सो। वक्त है आपसे इजाजत लेने का, अगले शो पर मुलाकात होगी।